नमस्कार मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक्स द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में चैप्टर है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप सीआरओ। इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है कैथोड रे ट्यूब। ई लेक्चर्स की सीरीज में आज हम सीआरटी के कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब को सीआरओ का दिल यानी कि हार्ट कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सीआरओ का, सीआरटी। और बेसिकली सीआरओ क्या होता है? सीआरओ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी सिग्नल को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का कार्य करता है। इसको जनरली अपन एक्स वाई प्लॉटर भी कहते हैं। और सीआरटी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रे होती है वह एक पेंसिल की तरह वर्क करती है। जैसे किसी पेपर के ऊपर कुछ ड्रॉ करना है तो ड्रॉ करने के लिए जैसे पेंसिल यूज में ली जाती है, सेम उसी प्रकार इस स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए इलेक्ट्रॉन रे यूज में ली जाती है। और क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन रे या इस पूरे के पूरे कॉन्फिगरेशन को एक ट्यूब के अंदर एनक्लोज किया होता है, इसलिए इसको कैथोड रे ट्यूब के नाम से जाना जाता है। कैथोड के ऊपर ऑक्साइड की कोटिंग की होती है। जब हीटर से जब यहाँ पे हीटअप होता है तो उस फिलामेंट के हीटअप होने से कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होके इस स्क्रीन पर जहां पर फास्फोरस की कोटिंग की होती है उस स्क्रीन पर जब टकराते हैं तो टकराने से एक स्पॉट दिखाई देता है जिसको प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि स्पॉट के कारण ही यहाँ पर एक कुछ चमकता हुआ अपन को स्पॉट दिखाई देता है जो रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन्स ने इस स्क्रीन पर आकर स्ट्राइक किया है। तो इस पूरे के पूरे जो ये सामने दिखाई दे रखा है, ये सीआरटी का बेसिक फंक्शनल डायग्राम है। तो इसके मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन गन होता है, और इस इलेक्ट्रॉन गन में क्या क्या पार्ट्स आते हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं? कैथोड, ग्रिड, एसिलेटिंग एनोड में एसिलेटिंग एनोड और प्री एसिलेटिंग एनोड दोनों, और फॉक्सिंग एनोड, यहाँ तक का जो एरिया है वो इलेक्ट्रॉन गन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए यानी कि उनको मोशन मूवमेंट प्रोवाइड कराने के लिए डिफ्लेक्शन प्लेट काम में ली जाती है, डिफ्लेक्शन सिस्टम कहलाता है। और ये जब इलेक्ट्रॉन्स किसी स्क्रीन पे जाके टकराते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। उसका ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन एक पार्ट है, और इस सारे को एनक्लोज किया हुआ है एक ट्यूब से जिसको ग्लास ट्यूब कहा जाता है। और लास्ट इस ट्यूब को किसी परिपथ में या सर्किट में कनेक्ट करने के लिए ये पिंस दे रखी है और इसका एक बेस। तो इस तरह से बेसिकली सीआरटी को मेन पांच पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने उत्सर्जित हो रहे हैं और कितने आगे तक जाएंगे ये डिपेंड करेगा ग्रिड पे कितना पोटेंशियल अप्लाई किया गया है। तो ग्रिड कैथोड से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है और आगे उसको फॉरवर्ड करने के लिए उसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए, उसमें कितना एसेलरेशन होना चाहिए, कितना त्वरित होनी चाहिए, तो उनको एसेलरेट करने के लिए यहाँ पर प्री एसेलरेटिंग एनोड है। और पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोकस करने के लिए, पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजने के लिए फोकसिंग एनोड है, और अगेन उसकी स्पीड को स्पीड अप करने के लिए एसेलरेटिंग एनोड है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए काम में लिए जाते हैं। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, इलेक्ट्रॉन बीम को किस डायरेक्शन में मूव करना है, तो ये जो डिफ्लेक्शन प्लेट है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जिस यहाँ पर जो सिग्नल अप्लाई किया जाता है उसके कोरस्पोंडिंग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जो सिग्नल अप्लाई किया जाता है उसके कारण इलेक्ट्रॉन बीम अप और डाउन, ऊपर या नीचे मूवमेंट करती है। और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जो सिग्नल अप्लाई किया जाता है उसके कारण इलेक्ट्रॉन बीम लेफ्ट या राइट हॉरिजॉन्टली यानी कि क्षैतिज रूप में मूवमेंट होता है,
तो इन दोनों डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे जो सिग्नल अप्लाई किया जाता है उसके कोरस्पोंडिंग इलेक्ट्रॉन बीम इस स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक करती है, यानी कि यहाँ पर एक एक आकृति प्रोवाइड कराती है जैसा सिग्नल अप्लाई किया जाता है। और ये जो स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, टकराने के बाद जो चमकते हैं वो किसके कारण होता है, ये फॉस्फोरस की जो स्क्रीन होती है, फ्लोरोसेंट जो यानी कि फॉस्फोरस की कोटिंग की होती है इस स्क्रीन से पहले, उसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के स्पॉट्स अपन को दिखाई देते हैं। और क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होते हैं जो स्क्रीन से टकराकर वापस रिवर्ट हो जाते हैं, यानी कि बैक डायरेक्शन में वापस आ जाते हैं, तो उसके कारण जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनका कोलिजन होता है, और कोलिजन से ट्यूब के बर्न होने के चांसेस होते हैं। तो उस सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए इस ट्यूब के अंदर की साइड एक और कोटिंग कर दी जाती है जिसको बोलते हैं एक्वाडिक कोटिंग। तो इस एक्वाडिक कोटिंग का काम क्या है, एक्वाडिक कोटिंग का काम है कि सीआरटी की स्क्रीन से जो इलेक्ट्रॉन्स अवशोषित नहीं हुए थे और दोबारा अमिट हो गए थे, जिनको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन्स, उन सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन्स को अवशोषित करने का कार्य करता है। कैथोड रे ट्यूब से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म एक्वाटिक इन सीआरटी। कैथोड रे ट्यूब में सीआरटी का क्या मतलब है। सीआरटी की स्क्रीन से इलेक्ट्रॉन के टकराने के कारण सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार उत्पन्न इलेक्ट्रॉन को एक्वाडेक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। एक्वाडेक एक प्रकार का पदार्थ है। सीआरटी में स्क्रीन के पास चारों तरफ इसकी एक परत चढ़ी रहती है। एक्वाडेक का संबंध कैथोड किरण नलिका के सेकेंड एनोड से होता है। एक्वाडेक द्वारा सेकेंडरी एमिशन इलेक्ट्रॉन्स के एब्जॉर्प्शन या अवशोषण से विद्युतीय यानी कि इलेक्ट्रिकली संतुलन की अवस्था में बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म फ्लोरेसेंस एंड फास्फोफ्लोरेंस फ्लोरेसेंस फॉर सीआरटी। यानी कि सीआरटी में फ्लोरेसेंस का मतलब होता है प्रतिदीप्ति, और फ्लोरेसेंस को फ्लोरेसेंस ही बोलते हैं जनरली। तो इनका सीआरटी में क्या तात्पर्य है या क्या मतलब है। सीआरटी के स्क्रीन के अंदर वाले भाग पर इस प्रकार के पदार्थ की परत चढ़ी होती है जो इलेक्ट्रॉन के टकराने पर चमक उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रॉन के टकराने से चमक उत्पन्न होने का जो गुण होता है उसे फ्लोरोसेंस यानी कि प्रतिदीप्ति कहते हैं। इस गुण का उपयोग फ्लोरोसेंस ट्यूबलाइट में किया जाता है जो अपन घर में काम में लेते हैं, उसी की बात कर रहे हैं अपन। लेकिन सीआरटी यानी कि कैथोड रे ट्यूब की जो पर्दा होता है, जो स्क्रीन होता है, उसके लिए केवल फ्लोरोसेंस गुण प्रदर्शित करने वाले पदार्थ उपयोगी नहीं है। सीआरटी के पर्दे के लिए इस प्रकार का पदार्थ या मेटेरियल आवश्यक होता है जो इलेक्ट्रॉन के टकराने के कुछ देर बाद भी चमकते हैं। पदार्थों का यह गुण फॉस्फोरेसेंस कहलाता है तथा इस प्रकार के पदार्थों को फॉस्फोरस कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के टकराने के बाद कितनी देर तक फॉस्फोरस चमकता है इसे उस फॉस्फोरस की परसिस्टेंस कहते हैं। थैंक यू सो मच।